हाय गाइस, वेलकम 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 बैक टू माय चैनल। एंड आज है मंडे का दिन एंड टाइम हो गया है अभी 1:30। सो बेसिकली आज मैं उठा ही लेता हूँ क्योंकि ऑफिस में चल रही है नाइट शिफ्ट। तो मैं सुबह 7 o'clock सोया था एंड अभी उठ के थोड़े बहुत क्लाइंट के काम थे वो निपटा लिए। तो अभी हल्के से काम निपटा लेते हैं एंड देन उसके बाद एनकेएम डिजिटल का काम चालू करते हैं। तो है गाइस, आज का जो सबसे पहला काम है वो है अपने बाइक की आगे के लाइट का बल्ब चेंज करना। पता नहीं क्यों 2-3 दिन पहले इस लाइट का फ्यूज हो गया एंड अभी वेनसडे से मेरे को ऑफिस भी जाना है एंड फिर नाइट में आना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं अभी लाइट चलाता हूँ, जैसे मैंने अभी लाइट चलाया तो ये दोनों तो जल गई लेकिन मेन वाली लाइट ही नहीं जल पा रही। तो एक बार पहले इसको दिखा लेते हैं कि क्या दिक्कत है एंड देन उसके बाद बाकी सब काम निपटाते हैं। तो गाइस फाइनली अब काम स्टार्ट करते हैं एंड मैं डेली बेसिस पे क्या करता हूँ, लाइक काम चालू करने के पहले टू डू लिस्ट बना लेता हूँ एंड उसके लिए मैं ये वाला ऐप यूज़ करता हूँ, गूगल टास्क। ये मोबाइल में भी अवेलेबल है एंड ये पीसी में भी अवेलेबल है। एंड बेसिकली इससे होता क्या आप तो बेसिकली इससे होता क्या आप कई लोगों को क्या लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, बट अगर डेली बेसिस पे अगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम होता है तो कुछ काम तो हम भूल ही जाते हैं कि कैसे क्या करना है। एंड कभी कभी क्या होता है कि इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो ही हम सबसे लास्ट में देखते हैं, फिर बाद में हमें पता लगता है कि ये भी काम करना था। तो इसलिए मतलब आज की ये टिप है कि लाइक आई विल सजेस्ट यू कि तुम भी ऐसा कोई ऐप यूज़ करना चालू करो, या वो माइक्रोसॉफ्ट का टास्क मैनेजर हो गया, गूगल कीप हो गया, या गूगल का टास्क मैनेजर हो गया। इससे क्या होगा कि लाइक आपके जितने भी इम्पोर्टेंट काम्स हैं ना वो सब उन सबको पहले लिस्ट में डाल दो एंड देन उसके बाद जो भी बचे कुचे काम है, लाइक जो आपके इंटरनल काम है उनको फिर आप लिस्ट में डालो। इससे ये होगा कि लाइक आपका डेली बेसिस पे हर एक काम कंप्लीट होता जाएगा। क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है कि कभी कभी मेरे को क्लाइंट लोग मतलब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ चेंजेस करने को आते थे एंड कुछ ना कुछ वजह से वो दिमाग से निकल जाता था, फिर जाके बहुत बाद में याद आता था या फिर मतलब बेसिकली क्लाइंट ही याद दिलाता था कि लाइक ये काम भी बचा हुआ है एंड ऑल दैट। तो लाइक आफ्टर दैट ओनली आई हैव स्टार्ट यूजिंग दिस एप्लीकेशन एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में या जॉब लाइफ में, मतलब किसी भी फेज में आप हैं, सो स्टार्ट यूजिंग दिस ऐप एंड इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम। सो अभी बेसिकली मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ एंड देन काम करते हैं चालू। तो गाइस आज है मंडे का दिन और बेसिकली आज जो वीडियो आने वाली है सबसे अलग होने वाली है एंड बेसिकली ये चैनल पे तो पहले थी लेकिन मैंने इसको अनलिस्ट की हुई थी, बट मैंने सोचा कि इसको शेड्यूल की जाए एंड इसको भी पब्लिक बनाई जाए। अब वैसे बेसिकली एजेंसी सोने के लिए थी, मतलब जिन लोगों का बिजनेस है एंड जो लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन मूव करना चाहते हैं एंड लाइक बेसिकली इस वीडियो को मैंने अपने लैंडिंग पेज में बना के फेसबुक एंड गूगल एड्स चलाए थे, बट लाइक आई थॉट कि इस वीडियो को भी शेड्यूल कर लेते हैं कि ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स को भी समझ में आए कि क्लाइंट कैसे लेके आते हैं हम अपने बिजनेस के लिए। तो बेसिकली जब तक मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँगा मीन्स वेनसडे तक, तो ये वीडियो आ चुकी होगी, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड ये वीडियो सबसे अलग थी, मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स लोगों के लिए नहीं थी, ये थी बिजनेस ओनर्स के लिए, बट देन ऑल्सो आई थॉट कि इसको लाइव कर ली जाए एंड आई विल सजेस्ट यू कि लाइक आप भी अगर कस्टमर्स या क्लाइंट ढूंढ लें अपने बिजनेस के लिए, अपने वेबसाइट एजेंसी के लिए, तो ऐसे टाइप के वीडियोस बनाना टारगेट कीजिए। क्योंकि आज के ज़माने में ब्लॉग या कोई आर्टिकल देखने का किसी के पास टाइम नहीं है, लोग वीडियोस देखना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू टू मेक अ वीडियोस लाइक दिस। एंड फाइनली अभी मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा तो ये आपको शाम के 7 o'clock तक मिल गई होगी। तो अभी पहले इसको शेड्यूल करते हैं। हाय गाइस, तो आज दिन हो गया ट्यूसडे का एंड कल मैं बाकी वीडियो तो नहीं बना पाया, एक्चुअली टाइम निकल गया था टीम मीटिंग में और दोस्त लोग भी आ गए थे। सो बेसिकली अभी मैं अपनी वेबसाइट वापस से बनाऊंगा तो उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट देख रहा था कि लाइक किस टाइप की बना सकते हैं एंड मैं जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट या न्यू वेबसाइट बनाता हूँ, चाहे वो मेरी खुद की हो या क्लाइंट की हो, तो मैं पहले जो सेम फील्ड की अलग वेबसाइट्स देख लेता हूँ कि लाइक कैसे क्या
और वेबसाइट बनी हुई है, देन उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आप लोग भी ऐसा कहते हैं। एंड गाइस, आपसे एक और चीज़ डिस्कस करनी थी। तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे मेरे को काफ़ी 2 दिन से तो मतलब काफ़ी मैसेज आए, पहले भी काफ़ी बार लोगों ने पूछा हुआ है कि लाइक कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है दैट दे आर इन कॉलेज एंड लाइक दे वॉन्ट टू डू फ्रीलैंसिंग और सम टाइप ऑफ दैट। तो इसके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि देखो, आज के ज़माने में क्लाइंट लेना कोई आसान बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने फ्रीलैंसर पे या अपवर्क पे अकाउंट बनाया है तो आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको एक प्रॉपर बिजनेस चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होगा। एंड अगर आपको फ्रीलैंसिंग भी चाहिए तो लाइक आई विल सजेस्ट यू कि फ्रीलैंसिंग से अच्छा आप कहीं पे या तो पार्ट टाइम जॉब देख लो या तो फुल टाइम जॉब देख लो। क्योंकि पहले अगर पहले के साल 2012 एंड 2013 में जाए तो ये फ्रीलैंसिंग वाली चीज़ काम आती थी, बिकॉज एक रेशियो सेट था कि लाइक जितने प्रोजेक्ट्स होते थे एंड फ्रीलैंसर भी उसी टाइप के थे, मतलब उतने ही थे, तो बेसिकली वर्क डिवाइड हो जाता था। लेकिन अभी कोविड के बाद हुआ क्या है कि हर दूसरा आदमी ने अकाउंट बना दिया फ्रीलैंसर पे। तो इससे हुआ क्या है कि प्रोजेक्ट्स तो हैं कम और काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जिससे बिल्कुल ही रेशियो बिगड़ गया है। एंड कई के लोग ऐसे हैं कि बहुत ही चीप रेट्स में काम करने को इस्तात हैं। तो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू कि लाइक इस टाइप ऑफ बिजनेस में मत जाइए। क्योंकि जैसे मैं भी मानता हूँ कि अभी वेबसाइट बनाना आपका पैशन होगा, बट वही पैशन फिर फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा, बिकॉज आपको लाइक काफ़ी कम रेट्स में बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तो आपका फुल डे इसमें ही निकल जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू, इफ यू आर इन कॉलेज एंड लाइक इफ आपको सीखना है कि काम कैसे क्या होता है या लाइक आपको कुछ साइड में भी काम करना है, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ पार्ट टाइम जॉब्स। एंड अगर आपका ये है कि आपको अपनी खुद का बिजनेस या खुद की एजेंसी खोलनी है, तो लाइक फॉर दैट लेट मी टेल यू कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिएगा। क्योंकि आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, तो इसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ही गई। इफ यू आर सब्सक्राइबिंग मी एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, देन तुम्हें पता लग गया होगा कि लाइक बहुत ही जल्दी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाला है जहाँ पे तुम्हें कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगे कि आप अपनी खुद की एजेंसी कैसे खोल सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग मी, सो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो बेसिकली आई होप दैट नाउ यू गॉट इट कि लाइक कैसे क्या डिसीजन लेने, बिकॉज लाइक फ्रीलैंसिंग में क्या होता है, टाइम वेस्ट ही ज़्यादा होगा। तुम किसी प्रोजेक्ट पे बिड डालोगे, देन तुम्हें वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा, तो वो टाइम तुम्हारा वेस्ट हो गया। तो गाइस, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं। बेसिकली कल एक टीम मीटिंग हुई थी एंड उसमें हमने काफ़ी न्यू वेज देखे कि कैसे क्या क्लाइंट लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली आज उन सब चीज़ों पे काम होगा। अगर उसमें सक्सेसफुल हुए तो आप लोगों से भी शेयर किया जाएगा कि कैसे क्या न्यू वेज हैं जो आपको यूज़ करें हैं क्लाइंट लाने के लिए। तो अभी हम उस पर काम कर लेते हैं। एंड लाइक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो एंड प्लीज सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।